कार्यक्रम की? सबसे पहले तो आपके चैनल के और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर यहाँ पर आई हूँ और ये गंगा जल मैं अपने गांव के हर शिवालय शिव मंदिर हांसी हल्के के हर शिव मंदिर तक पहुँचाने का गंगा जल अर्पित करने का कार्य करूँगी। और कार्य करने के साथ साथ ये परमपिता परमात्मा से और हमारे शिव भोले से ये प्रार्थना करूँगी कि मेरे हांसी हल्के की जनता की पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना उनका कल्याण करें और सुख समृद्धि बनाए रखें। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं समय समय पर अनेक धार्मिक राजनीतिक कार्य करती रहती हूं। तो पहले हमने तुलसी अभियान चलाया कोरोना काल में, या मैं कहूं कि सेवा रसोई का कार्यक्रम हमने चलाया, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया, अनेकों मेडिकल कैंप लगाए और अनेक पौधे लगाए कि धरती बचाओ पेड़ लगाओ। तो इस अभियान के तहत आज हम एक नया एक धार्मिक, जिसमें लोगों की आस्था भी है, क्योंकि हमारा सावन का माह आप जानते हैं कि शुरू हो चुका है और सावन के माह में हर पवित्र कार्य हम करते हैं, क्योंकि जो शिव भोले हैं हमारे देवों के देव, आराध्य देव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं और जो महिलाएँ होती हैं, हमारे बच्चे भी, मैं ये कहूँगी कि बच्चे भी, आज जब मैं जल लेकर आ रही थी तो मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे कावड़ लेकर आ रहे हैं। तो ये हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, नैतिक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छे विचार हमारे युवा में आए हैं, मैं ऐसी प्रार्थना करूँ। पहले से कई ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो गया है कावड़ के साथ? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम पिछले समय में देखते थे कि काफ़ी सेफ्टी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हम हरिद्वार तक गए तो हाईवे बन चुके हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जिससे हमारे जो कावड़ लेके आने वाले बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, उनको बहुत आसानी होती है, क्योंकि जगह जगह पर जागरूकता के कारण ऐसे अनेक संगठन मिलकर सामने आए हैं, ताकि उनकी कोई मदद चाहिए, उनको कोई सहायता चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए भी बच्चे ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो आज स्कूलों में हम बात करें, पहले मुझे याद है कि मैं जब पढ़ती थी तो रामायण और गीता के श्लोक, गीता का पाठ हमें पढ़ने को मिलता था, लेकिन आज दोबारा से वही चीज़ें हमारे सिलेबस में रिपीट हो रही हैं, कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। तो उस धर्म से जुड़े, धर्म से हमारी आस्था हो और हर घर तक हम एक अपने धर्म को पहुँचा सके, अपने, क्योंकि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्म में इन सभी चीज़ों की मान्यता है। मैडम, आपने युवाओं की बात की, युवा है जो नशे की ओर भी काफ़ी अग्रसर है। बिल्कुल, मैंने कावड़ के आदमी भी काफ़ी लोग नशा का जो जी 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 मैंने आपको यही बताया कि जैसे अपने अभी मैं भगत धना सेवा समिति की अध्यक्ष भी हूँ और भगत धना सेवा समिति की अध्यक्ष होने के नाते युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए हम प्रेरित करेंगे। इसमें हमारे ADGP जाधव जी ने एक कमेटी बनाई हुई है और उस कमेटी में मुझे बुलाया भी गया था कि हम अपने जो युवा है उनको कैसे नशे से दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा माध्यम तो आप सब लोग ही हैं। अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे कि युवा वर्ग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो हमारे शरीर में कुछ नहीं बचता। तो अपने जो रीढ़ की हड्डी है इसको इसी तरह से मजबूत बनाए रखें, और अगर युवा मजबूत रहेगा तो मुझे लगता है देश भी मजबूत रहेगा। उसमें आप भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, मैं भी निभा सकती हूँ, और अपने साथ 10-15 लोगों को जोड़कर, ताकि एक चैन सिस्टम बना के हम इसकी जागरूकता को बढ़ाएं। जी, शुक्रिया।